हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे होममेड शैम्पू बनाते हैं पाउडर से। फ्रेंड्स, मैंने साबुत वाले आंवला रीठा शिकाकाई का शैम्पू बनाया हुआ है, वो भी इक्वली इफेक्टिव होता है। और यहाँ पे मैं पाउडर्स को यूज़ करके आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम इसको शैम्पू कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने से आपके बाल स्ट्रांग होते हैं, आपके बाल सिल्की भी होते हैं और आपके बाल क्लीन होते हैं। और ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है आपके बालों को साफ करने का। तो यहाँ पे मैं कुछ हर्ब्स यूज़ कर रही हूँ, तो चलिए चेक करते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक चम्मच शिकाकाई पाउडर, फिर मैं लूँगी एक चम्मच रीठा पाउडर। अगर आपने ऑयलिंग अच्छे से की हुई है तो आप रीठा के पाउडर को हल्का सा इंक्रीज कर सकते हैं ताकि जो ऑयलिंग है वो अच्छे से निकल जाए। और अगर नहीं की हुई है तब भी वो वॉश कर देगा, और हल्का फुल्का ऑयल है तो भी वो वॉश कर देगा। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एक चम्मच मेथी पाउडर, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक चम्मच भृंगराज पाउडर। फ्रेंड्स, इन सब पाउडर्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अगर आप चाहें तो इसमें आंवला भी ऐड कर सकते हैं। और पानी की हेल्प से इसकी स्मूथ कंसिस्टेंसी वाली पेस्ट बनानी है। आपने इस तरह से पेस्ट बनाना है कि वो ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा थिन हो। इसके बाद आपने इसमें एसेंशियल ऑयल डालना है, ये रोज़ ओटो एसेंशियल ऑयल है, इसकी मैं 5 ड्रॉप डालूंगी। अगर आपके पास टी ट्री ऑयल है या कोई और ऑयल है जैसे कि रोजमेरी, लेवेंडर, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। आपने इसको जैसे हम मेहंदी अप्लाई करते हैं वैसे ही अप्लाई करना है, पूरा रूट से लेकर टिप तक करना है। मैंने पूरे बालों में इसको अच्छे से लगाया है और बन बना लिया है। शावर कैप पहन के आपने इसको 20-30 मिनट्स तक अपने सिर पर रखना है, और अपने बालों को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। और नॉर्मल पानी से जब आप वॉश करेंगे तो जैसे हम शैम्पू से वॉश करते हैं उसी तरह से करना है। और अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करके पूरे पाउडर्स को अच्छे से निकालना है, तो आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो गए हैं और बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। क्योंकि जो मेथी पाउडर और भृंगराज पाउडर है, ये दोनों आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी काम आते हैं और आपके हेयर को सिल्की बनाने के लिए भी काम आते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपके बालों को धोने का, सल्फेट फ्री, केमिकल फ्री शैम्पू, होममेड नेचुरल शैम्पू है ये। प्लीज़ आप भी बताइएगा कि आप किस तरह से पाउडर्स को यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाके, या फिर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।